हाय गाइस, हम अब चलते हैं जालियांवाला बाग के हिस्ट्री के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। यह एक सीन बनाया गया है, ये देख सकते हो जालियांवाला बाग जो घटना घटी थी 13 अप्रैल 1919, वही स्थल है। उनकी याद में यहाँ पे मोमबत्ती भी जलाया जा रहा है, जो डिजिटल मोमबत्ती है। हमारी आज़ादी के लिए हजारों ने अपने जीवन का बलिदान दिया, थाउजेंड्स सैक्रिफाइस दियर लाइफ फॉर आवर फ्रीडम, जो 100 साल पूरे हुए हैं लेकिन गालियों के निशान आज भी बने हुए हैं। गोलियों के निशान ऑलमोस्ट 100 ईयर्स हैव पास्ड बट बुलेट मार्क्स स्टिल रिमेन। मैं हर्ड द साउंड, जागे यूरो से बगाए जालिया, अंतकारम बिगिनिंग ऑफ द इंच, जो शिला प्रतिरोध एस्पायर्ड रेजिस्टेंस। हाल 3 में रॉलेट एक्ट के विरोध किए गए, प्रदर्शन और अमृतसर में स्थानीय कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी को दर्शाया गया है। यह 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुए हत्याकांड और उसके बाद हालातों को प्रदर्शित किया गया है। यह जलियांवाला बाग में आयोजित एक सार्वजनिक सभा में जनरल डायर के आदेश पर गोलियां का बौछार की गई थी। देखो गाइस, ठीक है, जो बीरो ने अपनी जान दिया उसके डिटेल लिखा हुआ है, रामदास सरनव चम्मत सिंह 28 ईयर्स ओल्ड, पक्खामल सरनव गुज्जरमल 36 ईयर ओल्ड, दुर्गादास सरनव कांसी राम 23 ईयर्स ओल्ड, वासुमल सन ऑफ नरसिंह दास 42 ईयर्स ओल्ड, मोहम्मद बक्स 36 ईयर ओल्ड, नथू सन ऑफ गुलाब 8 ईयर्स ओल्ड। इतने लोगों ने कुछ जिनके जिनके नाम लिखने को मिला, जानने को मिला, उनका यहाँ पे चित्रित किया गया है। नाम आप देख सकते हो गाइस, ठीक है। और वे जो शहीद हुए एंड दोस हु बिकेम मैट्रियर्स, जालियांवाला बाग में लगे एक नोटिस पर लिखा है, यह स्थान उन हजारों राष्ट्रभक्तों के खून से सना हुआ है जो अहिंसात्मक ढंग से भारत की अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद कराने वाले के प्रयास में शहीद हुए गए। यह ब्रिटिश जनरल डायर से निथत्ते लोगों पर गालियां बरसाई। जालियांवाला बाग बाग प्रतीक है भारतीयों के अहिंसापूर्ण एवं शांतिपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम का एवं अंग्रेजी शासन के अत्याचारों का। तो गाइस, यहाँ पे जालियांवाला बाग की जो भी हिस्ट्री है उसको चित्रण किया गया है, उसका प्रयास करने की कोशिश किया गया है। आप उसके साउंड भी सुन सकते हो। युद्ध में भारत का योगदान, इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड, युद्ध में 10 लाख से अधिक भारतीयों के झोंक दिया गया, ये देख सकते हो गाइस। फ्रांस एंड फिनलैंडर्स 1918। ये
ये देखो गाइस, अलग अलग लोगों का या प्रूफ जो है उसको लिखा गया है। पर्सनल पिकर विक्टोरिया क्रॉस रेसिपेंट्स सॉरी के समान 86 रैंक सिपाही नवी भोपाल इन्फेंट्री वादी मेसोपोटामिया 1916 खुले में पड़े अपने कमांडिंग अधिकारियों के बचाने के लिए अपने आश्रय के निकल पड़े। उनकी चोट का इलाज किया गया और चारों ओर फैल गई आग के बचाने के लिए अपने शरीर की छाल बनाकर 5 घंटे तक उनके साथ बने रहे। रात में वह वापस सहायता लेने गए और अंततः अधिकारी को सुरक्षित तू है अलबेली यू मे टेक इन इंग्लिश गाइस इफ वांट टू रीड इन इंग्लिश यू कैन छत्ता सिंह अबाउट छत्ता सिंह इफ यू वांट टू इन हिंदी यू मे टेक द गिफ्ट ऑफ इंडिया यू मे रीड अबाउट दिस ग्यारह अप्रैल 2013 को कुछ याद है नरेंद्र मोदी अतीत की आवाज़ घर भेजे गए पत्र के एक सैनिक द्वारा विनीस की दुर्दशा के बारे में हाइफा युद्ध बैटल ऑफ द हाइफा साहस के जो कोई पूछे कि कौन हो तुम तो कह दो बागी है नाम अपना एक घटना देख सकते हो गाइस 6 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल के बीच में क्या क्या घटी थी वो इसका चित्रण किया गया है। Yeah.